हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका सक्सेस मन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीएस पेपर 3 के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि अब मेंस क्रैक करने की है बारी। तो आप लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं अपनी तैयारी। यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो जब हम जो डिफरेंट पॉइंट्स करेंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। पेपर 2 के बारे में पहले आई आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और मंडे से हम लोग प्रॉपर वे में अपने 1, 2, 3, 4 डे वाइज पूरा अच्छे से कवर करेंगे सिलेबस को। तो सबसे पहले हम पेपर 3 में सिलेबस चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप मेंस की तैयारी करोगे सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, यानी कि आपको रटा हुआ होना चाहिए कि किस टॉपिक में कौन सा पॉइंट है, आपको कौन सा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जनरल स्टडी पेपर 3 के बारे में। जो व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, नहीं तो जो भी वीडियोस मेरी आ रही हैं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल स्टडी पेपर 3 के सिलेबस का डिस्कशन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे इसके टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं, और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि यहाँ जो मैंने हिंदी में जो दिया है ऑलमोस्ट इंग्लिश का, और जो यूपीएससी का सिलेबस इंग्लिश में जो है और यूपीपीसीएस का इंग्लिश में है ऑलमोस्ट मैच करता है। हिंदी में कुछ वर्ड्स में डिफरेंस आ रहे हैं, तो वो जब मैं सिलेबस कराऊंगी तो आपको बताती रहूंगी कि ये आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है और ये आपको यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि सिलेबस मैंने यूपीएससी का लिया है यूपीपीसीएस का लिया है। ऑलमोस्ट सिलेबस 95% मैचिंग है, 5% में जो भी चेंजेस हैं मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परसूट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका। तो ये आप कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है। इसके अलावा रमेश सिंह से आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में नीति आयोग के बारे में आपको मिल जाएगा, और आपको नीति आयोग के बारे में यहाँ थोड़ी सी, और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल सकता है थोड़ा सा। और नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर आपको नीति आयोग के जो भी रोल्स हैं उसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, तो उसके लिए मैं साथ के साथ आपको सोर्सेज बताती जा रही हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। प्लस मैं तो यहाँ कवर इसको पूरा प्रॉपर कराऊंगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये है सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये आप कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, जो कि एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है। तो ये साथ के साथ मैं सोर्सेज आपको देती जा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि। तो ये आप करेंगे, ये भी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 11th क्लास की बुक है, और इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह में आपके उसके बेसिक नॉलेज बेस आपको मिल जाएगा। बाकी करंट से अपडेटेड यहाँ रहना कि गरीबी पे क्या क्या आपकी योजनाएं चला जा रही हैं, बेरोजगारी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और समावेशी समृद्धि के लिए। तो योजनाओं से अवगत रहना और डाटा क्या है इन सब से अवगत रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसके लिए मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि और सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक। तो ये पूरा ऑलमोस्ट करंट से रिलेटेड है, अगर बेसिक छोड़ दिया जाए तो। करंट्स में जो योजना और कुरुक्षेत्र में जो आर्टिकल्स आते हैं, हिंदू में आर्टिकल्स आते हैं, हिंदू में नहीं किसी भी मैगजीन में जो फसलों से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया जो समकालीन भारत की बुक है उसमें एनसीईआरटी का पार्ट 2 जो 10th क्लास की है उसको आप यहाँ देखिएगा, तो सिंचाई के बारे में आपको पूरी अच्छे से जानकारी यहाँ पे मिलेगी फसलों के बारे में। और दृष्टि के नोट्स भी आप लोग यहाँ प्रेफर कर सकते हैं अगर किसी को मिल जाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अप्रत्यक्ष कृषि, प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य क्रियान्वयन, परिसीमाएं, शुद्धिकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार,
कृषि संबंधित तकनीकी अभियान टेक्नोलॉजी मिशन। तो ये प्रॉपर एक एक टॉपिक है, यहाँ आप एक एक टॉपिक वाइज अपने नोट्स तैयार करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी हमें पढ़ लेना है सिलेबस में से, सारा टॉपिक टू टॉपिक हमें प्रॉपर सिलेबस तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी हैं, तो जो जो चैप्टर एनसीईआरटी में है 6th to 12th क्लास की बुक, उसमें से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ मिल जाएगा। और करंट से तो आपको रहना ही पड़ेगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक और टेक्नोलॉजी मिशन, इसमें क्या क्या नई चीज़ें इनोवेशन हो रहा है, तो इसके लिए। और अगर आपको और थोड़ा सा वास्ट पढ़ना है तो रमेश सिंह की बुक उसमें देखी जा सकती है। चलिए आगे बात करेंगे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो ये एनसीईआरटी में 6th to 12th बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर आप चैप्टर एनालिसिस करें, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कार्यक्षेत्र महत्व, स्थान निर्धारण, उद्योग और अधोप्रभाव आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और इसके लिए इंटरनेट का भी यूज़ किया जा सकता है। बट अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं डीपली, तो आपका यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 7th पॉइंट की, भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार। अब यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद दिया है, और जो यूपीएससी का सिलेबस है वहाँ दिया हुआ है भारत में भूमि सुधार। तो बात वही है कि जो भी भूमि सुधार हमारे इंडियन ने किया वही यहाँ पर आएगा। तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आप रमेश सिंह से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक संवृद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, उसमें मिलेगा। और अगर वास्ट थोड़ा सा पढ़ना है तो रमेश सिंह की बुक में अच्छे से आपको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज मिल जाएगा। 9th पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा, आधारभूत संरचना जिसमें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि। तो इसमें होगा इंडियन डेवलपमेंट, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 11th क्लास की जो बुक है उसमें एक एक जैसे ऊर्जा पे अलग चैप्टर दिया है, बंदरगाह पे अलग चैप्टर है, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे पे अलग अलग चैप्टर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, प्लस ज्योग्राफी की भी 6th to 12th एनसीईआरटी यहाँ देख सकते हो। और इंडिया ईयरबुक या 2018 की जगह 2020 यहाँ करेंगे आप, और ये चेक कर सकते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इन एरियाज में इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम यहाँ आ जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग, दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। तो ये आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, जो कि करंट अफेयर से स्पेक्ट्रम की बुक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसमें आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। प्लस करंट अफेयर से इसके लिए आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा कि क्या क्या करंट अफेयर में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का देशजीकरण ये क्या होता है इसके बारे में, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियाँ, ये भी आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम की बुक में मिलेगा। और दृष्टि के नोट्स भी इसके लिए प्रेफर किए जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो हर एक पेपर 3 के लिए आप समझ लीजिए करंट अफेयर्स आपके लिए मस्ट है, आपको करना ही करना है। 12th पॉइंट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में जागरूकता, बौद्धिक संपदा, अधिकारों का डिजिटलीकरण, अधिकारों से संबंधित। तो ये एनसीईआरटी जो बायो की बुक है आपको जीव विज्ञान की 11th क्लास के चैप्टर नंबर 11th और 12th, तो इसमें आपको मिलेगा अच्छे से, जो कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में है। प्लस स्पेक्ट्रम की बुक यहाँ पे हेल्पफुल होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, दृष्टि के नोट्स और करंट अफेयर्स, ये दोनों आप लोगों के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट होंगे। 13th पॉइंट है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये भी एनसीईआरटी की बायोलॉजी की 11th क्लास की चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 इसमें है। और इंटरनेट का यूज़ करके क्या करंट अफेयर का यूज़ करके आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आगे बात करें 14th पॉइंट की, तो ये है डिजास्टर एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस,
डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा और सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन या प्रबंधन, तो ये आपको मिलेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो भारत सरकार की वेबसाइट है उस पर पूरा अच्छे से, वहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस करंट अफेयर आर्टिकल, क्योंकि कौन से देश में क्या आपदा आई है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उससे कैसे निपटा जा सकता है, तो वो आप करंट अफेयर ये डेली की जो रूटीन में आर्टिकल्स आते हैं उससे करेंगे। प्लस अगर बेसिक नॉलेज चाहिए आपदा के बारे में तो वो 9th क्लास की NCERT की जो CBSE की बुक होती है ज्योग्राफी की, और आपदा से भी रिलेटेड अलग से एक चैप्टर उसमें दिया हुआ है, तो उसमें से आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण एवं प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक तंत्रीयता, साइबर सुरक्षा के अधिकार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। तो ये प्रॉपर टॉपिक आपको करंट अफेयर्स में से, क्योंकि ये सब मुद्दे हैं जो करंट से रिलेटेड हैं, रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो आपको एग्जाम में करंट ही पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज आपको बस इंट्रो में देके फिर आपको करंट से रिलेट करना होता है उसे, तो आप इंटरनेट से और करंट से आर्टिकल से इन सब टॉपिक्स को कर सकते हैं बहुत अच्छे से, किसी एक बुक में कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रति विद्रोह तथा संगठित अपराध। तो ये आपको करंट अफेयर के आर्टिकल्स में मिलेगा या फिर आप इंटरनेट का यूज़ करके भी इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। तो करंट अफेयर्स मैं बार बार कह रही हूँ, इस पेपर 3 के लिए करंट अफेयर मस्ट है, करंट अफेयर और आर्टिकल्स जो आ रहे हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। वेरियस मिनिस्टर की वेबसाइट्स हैं वो आप कर सकते हैं वहाँ पे, अगर यूपी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो यूपी का करना आपको ज़रूरी है, प्लस डिस्ट्रिक्ट के नोट्स इसमें आप लोगों को काम आ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, तो यहाँ पे आप यूपी से रिलेटेड कोई बुक लेके उसमें से ये पूरा प्रॉपर करोगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य के बजट, अब जो अभी लेटेस्ट आया है वो आपको करना है, और प्लस लास्ट जो बजट में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। कृषि उद्योग आधारभूत संरचना, आप जितने भी टॉपिक हमने प्रॉपर पहले देखे हैं उसमें यूपी का क्या क्या मस्ट रोल होना चाहिए वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। भौतिक साधनों का महत्व, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं, तो इसके लिए यूपी से रिलेटेड कोई बुक कर सकते हैं। यूपी की मिनिस्ट्री है उनकी वेवरियस जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, जैसे कि उद्योग के लिए अलग है, कृषि के लिए अलग है, तो इसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट देख सकते हैं, इंटरनेट और करंट अफेयर और आर्टिकल तो आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे, तो ये थोड़ा सा टॉपिक आ जाता है ज्योग्राफी से, बट इसे जोड़ना है हमें इकोनॉमिक से, क्योंकि इकोनॉमिक में इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड करना ज़रूरी है। तो ये ज्योग्राफी की 6th to 12th से आप कर सकते हो, बाकी अगर इसके लाभ और हानियाँ देखनी है तो करंट अफेयर से आप लोग यहाँ पे अवगत रहेंगे तभी आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, तो ये आप करेंगे करंट अफेयर से, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स थे, क्योंकि कानून व्यवस्था जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे नए नए कानून बन रहे हैं, क्या व्यवस्था आ रही, क्या योजनाएं आ रही हैं, नागरिकों की सुरक्षा संबंधित क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ें इस पेपर के लिए, दृष्टि के नोट्स बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहें, और रिपोर्ट्स जो जो आती हैं नई नई वो आप कॉन्टीन्यूसली देखते रहें, तो ये पेपर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी आज की, तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखनी है, और कौन से टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है सिलेबस में, वो हम लोग आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।